गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर साइंस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर टेन आवर सोलर सिस्टम आज हम सोलर सिस्टम के बारे में रिवाइज करेंगे इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन हाउ मैनी प्लानट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लानट्स हैं एट प्लानट्स कितने हैं एट क्वेश्चन नंबर टू वट इज एन एक्लिप्स एक्लिप्स क्या होता है द शेडो ऑफ द अर्थ एंड मून प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट इज कॉल्ड एक्लिप्स शेडो जो होती है मून की और अर्थ की जो परछाई बनती है सनलाइट के कारण दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स वॉट इज द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज कॉल्ड जो हैवेनली बॉडीज होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं आंसर द स्टडी ऑफ हैवेनली बॉडीज इस कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी जो हैवनली बॉडीज़ की स्टडी होती है उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं क्वेश्चन फोर नेम टू कॉन्स्टिलेशन दो कॉन्स्टिलेशन के नेम बताने हैं फर्स्ट है उर्सा मेजर जिसका दूसरा नाम है द ग्रेट बियर सेकेंड इज ऑरियन ऑरियन को हंटर भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है आंसर द सन द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ जो सन है वो पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार है आओ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन वॉट आर द मेन सोलर बॉडीज मेन सोलर बॉडीज कौन कौन सी हैं द सन एट प्लैनेट्स देयर मून्स कॉमेट्स एंड एस्टीरोइड्स आर द मेन सोलर बॉडीज क्वेश्चन नंबर टू नेम द एट प्लान ऑफ आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम के एट प्लानट्स कौन कौन से हैं मर्करी वीनस अर्थ मार्स ज्यूपिटर सैटर यूरनस एंड नेपच्यून आर द एट प्लान ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्वेश्चन थ्री वॉट मेक्स द स्टार ट्विंकल जो हमारे स्टार्स होते हैं तारे होते हैं वो ट्विंकल कैसे करते हैं द फ्लेम्स ऑफ फायर दैट कम्स आउट ऑफ द स्टार्स मेक डैम ट्विंकल जो सितारों में से फ्लेम्स निकलती हैं उसके कारण वो हमें ट्विंकल होते हुए टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट जो चांद है वो प्रत्येक रात्रि को अपनी शेप क्यों चेंज कर लेता है द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन जो मून होता है ना उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन और ये सूरज की रोशनी के कारण चमकता है ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट रिवॉल्यूशन के कारण जो मून है वो एवरी नाइट अपनी शेप को चेंज करता है हमें प्रतीत होता है कि उसकी शेप चेंज हो रही है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन एंड हाउ मेनी कॉन्स्टेशन आर देयर इन द स्काई कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं और आसमान में कितने कॉन्स्टिलेशन हैं कॉन्स्टिलेशन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन जो स्टार्स का ग्रुप होता है आसमान में वो एक पैटर्न शेप में होता है पैटर्न बनाता है जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं देयर आर एटी एट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई और आज स्काई में एटी एट कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट हैं नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड डू द गिवन वर्कशीट ओके स्टूडेंट्स थैंक यू